थे आपका हमारे चैनल नवल आई टी स्टूडियो में तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई आईविश आप लोग ठीक होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी इसमें से पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है ए नंबर ऑप्शन है जावा बी नंबर ऑप्शन है सी प्लस प्लस सी नंबर ऑप्शन है पाइथन और डी नंबर ऑप्शन है लिस्प तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी लिस्प लिस्ट प्रोसेसर क्या होता है लिस्ट प्रोसेसर यानी जो है कि यह पहले प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है क्वेश्चन नंबर वन का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इनमें से पहला प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा होगा लेस्प ओके फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर तो क्वेश्चन नंबर टू है एक लाइनक्स ओ एस सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किसको सपोर्ट करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसको सपोर्ट करता है तो ऑप्शन है आपके पास मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग बी नंबर ऑप्शन है मल्टी यूजर सी नंबर ऑप्शन है सिंगल टास्किंग और डी नंबर ऑप्शन है सिंगल यूजर तो करेक्ट आंसर क्या है तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइनेक्स ओयर सपोर्ट्स विच ऑफ लाइनेक्स किस को सपोर्ट करता तो लाइनेक्स जो होता है वो आपका होता है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग तो क्वेश्चन नंबर टू का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा लाइनेक्स ओयर जो है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है फिर एक है क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि है प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बींग चेंज बाय द अथराइड पार्टीज इज कॉल्ड तो यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करना किससे अथराइट पार्टी के के द्वारा बदलने के द्वारा इन्हें कोई अथराइट पार्टी है जिसको अपने जो है कि अथराइट पार्टी जो भी हैं उनसे किस इंफॉर्मेशन को बदलने से सुरक्षित रखने के लिए रखना क्या कहलाता है ए नंबर रखना प्राइवेसी बी नंबर आप नॉन एबेंडनमेंट सी नंबर आप इंटीग्रिटी और डी नंबर है अवेलेबिलिटी करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए अगर आप किसी अथराइट पार्टी के द्वारा इंफॉर्मेशन को में कोई बदलाव करने से आप सुरक्षित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेसी क्वेश्चन नंबर थ्री का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है फिर है क्वेश्चन नंबर फोर जो कि है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीमेल

किसके उदाहरण हैं तो ए नंबर अपना प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बी नंबर अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर सी नंबर अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डी नंबर अपना नन ऑफ दीज तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि वर्ड प्रोसेसर होगा या फिर स्प्रेडशीट होगा वर्ड प्रोसेसर या फिर स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है इसमें बताइए कौन सा होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दोनों जो है क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्वेश्चन नंबर फाइव का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है ई एफ टी का पूर्ण रूप ओके सिक्स का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर जो है, कि है हाउ मच हार्ड डिस्क स्पेस इज यूज बाई रिसाइकल बिन टू स्टोर फाइल यानी कि रिसाइकल बिन के द्वारा फाइल को <coughs> स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का कितना भाग यूज किया जाता है जो रिसाइकल बिन होता है रिसाइकल बिन कितने परसेंट भाग को में जो है कि डेटा को स्टोर करता है तो ए नंबर तो क्या होगा तो हाउ मच हार्ड स्पेस इज यूज बाय रिसाइकल बीन टू स्टोर फाइल तो डिस्क स्पेस रिसाइकल बीन में फाइल को स्टोर करने के लिए होता है कितना होता है टेन परसेंट होता है क्वेश्चन नंबर सेवन का सी नंबर फिर हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर एट पर तो क्वेश्चन नंबर एट है एफ डी डी आई रिलेटेड टू एफ डीडीआई किस से संबंधित है तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि से संबंधित है तो से बस से रिंग से रिंग या फिर स्टार से तो जो एफ डी डी आई है एफ डी डी आई किस संबंधित है रिंग टोपोलॉजी संबंधित है क्वेश्चन नंबर एट का सी नंबर जो ऑप्शन है रिंग ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर जो कि है सी कोबोल

होता है ठीक है ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं फिर है क्वेश्चन नंबर टेन जो कि है विच ऑप्शन इज यूज इन द साइड बार टू अप्लाई स्लाइड मास्टर स्लाइड बार विच ऑप्शन इन इज यूज इन द स्लाइड बार साइड बार में कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए कि स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए साइड बार से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है तो ए नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट बी नंबर ऑप्शन है स्लाइड मास्टर

जुलाई 2010 में कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया था क्रोम, एपिक फायरफॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर क्या होगा तो अपने देश में जो ब्राउजर लॉन्च हुआ है एकलौता ब्राउजर जो हमारा है अपने इंडिया का वो क्या है एपिक एपिक ब्राउजर लॉन्च किया गया था इंडिया में जुलाई 2010 में क्वेश्चन नंबर इलेवन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर जो कि है हाउ टू रन अ प्रोसेस इन बैकग्राउंड बैकग्राउंड में प्रोसेस को कैसे रन कर सकते हैं तो ए नंबर ऑप्शन है एंड से बी नंबर ऑप्शन है फाइव से सी नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क्स से और डी नंबर ऑप्शन है एस्टेरिस्क से तो बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए आपका एंड सिंबल यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा फिर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट लाइन्स एंड पैराग्राफ्स इन टू बुलेट लिस्ट लाइन और पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है ए नंबर ऑप्शन है एडिट बी नंबर ऑप्शन है स्टाइल्स सी नंबर ऑप्शन है फाइल और डी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है फॉर्मेट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फॉर्मेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं लाइन और पैराग्राफ में बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं फिर है क्वेश्चन नंबर फोरटीन विच फोन साइज इज अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ फोन साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में से कौन सा फोन साइज अवेलेबल होता है ड्रॉप डाउन मेनू में वो भी लिब्रे लिब्रेस के ड्रॉप डाउन मेनू में इनमें से कौन सा साइज उपलब्ध होता है तो ए नंबर ऑप्शन है थर्टी बी नंबर ऑप्शन है ट्वेंटी नाइन सी नंबर ऑप्शन है थर्टी वन और डी नंबर ऑप्शन है ट्वेंटी एट तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो कौन साइज अवेलेबल होता है तो इसमें आपका ट्वेंटी एट जो है कि आपका अवेलेबल होता है ड्रॉप डाउन मेनू में लिब्रे ऑफिस कैल के तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है फिर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डी डी एंड चेक आर बहुत दिज मीडियम आप डिजिटल ट्रांजेक्शन डी डी और चेक ये दोनों जो है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के, के माध्यम है तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि जो चेक होता है चेक आपका डिजिटल नहीं उसको हम ऑफलाइन जो होता है क्या होता है ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपका क्या है फॉल्स ओके okay? फिर हम बढ़ते हैं एक से एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ यू एस एस डी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इज सिमिलियर टू आई एम पी एस इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है तो क्या जो है कि यूएसएसडी के काम करने का तरीका आई एम पी एस के समान है बिल्कुल नहीं जो है कि आपका ऐसे डायरेक्टली नॉर्मल बिना इंटरनेट के काम करता है जबकि आई एम पी एस के लिए इंटरनेट को होने की आवश्यकता होती है <coughs> तो ये बोल जाएगा फॉल्स फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पर जीमेल एंड फीमेल स्टार सिस्टम अलाउ यू अस टू मार्क अवर मोस्ट इम्पोर्टेंट ई मेल सो देट वी कैन ईजीली फाइंड देम लेटर यानी कि जी का जो स्टार सिस्टम होता है वह वो हमें अनुमति देता है इम्पोर्टेंट ईमेल को मार्क करने के लिए जिनसे कि हम उसको आसानी से बाद में ढूंढ सकें तो ये बिल्कुल सही बात है जो इस्टार देता है अगर हम जी मेल किसी मेल को स्टार करते हैं तो उसको हम आसानी से ढूँढ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन जो कि है इफ़ वी डोंट हैव एनी फंड्स इन आवर अकाउंट कैन वी पे बाय क्रेडिट कार्ड यानी कि अगर हमारे अकाउंट में कोई रुपए नहीं है कोई फंड नहीं है तो क्या हम क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स तो ये सेंटेंस होगा ट्रू क्योंकि क्रेडिट कार्ड में अगर आपका कोई फंड नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं लेकिन डेबिट कार्ड में अगर फंड नहीं है तो उससे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से फंड न होने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन आपका होगा ट्रू फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर द फुल नेम ऑफ यू पी आई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो ये बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स तो यूपीआई जो है कि क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है ठीक है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये सेंटेंस हो जाएगा ट्रू यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ओके फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर जो कि ई मेल इज ऑल्सो फुल डुप्लेक्स क्या ई मेल फुल डुप्लेक्स होता है

मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बिल्कुल वैसे ही कर सकता है तो ए नंबर आपसने इंजीनियरिंग बी नंबर ऑप्शन ऑप्शन है बॉक्स सी नंबर है रोबोट और डी नंबर ऑप्शन है हाईब्रिड कार तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोबोट क्या होता है रोबोट जो होता है वो बिल्कुल सेम मानव की तरह रिएक्ट कर सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर जो कि है मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइडेड बाय जीमेल जीमेल के द्वारा देखता कितना स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है दस जीबी बीस जीबी दस जीबी पचीस जीबी पंद्रह जीबी या फिर बीस जीबी तो मैक्सिम जो होता है जी मेल के द्वारा वो होता है आपका पंद्रह जीबी पंद्रह जीबी तक स्टोरेज आपको उपलब्ध होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का सी नंबर जो ऑप्शन है फिफ्टीन जीबी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वाट विल हैपन इफ यू प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आफ्टर सेलेक्टिंग द सेकेंड रो

तो देखिए यहां पे अगर हम करेंगे कंट्रोल प्लस तो क्या होगा अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड बिलो यानी उसके नीचे जो जो है है कि कि आपका एक जो इंसर्ट हो जाएगा रो फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर जो कि है बीसीड बी सी सी का पूर्ण रूप क्या होता है बेसिक कार्बन कलर ब्लाइंड कार्बन कॉपी बैक कार्बन कॉपी या फिर नन ऑफ दीज तो बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का बी नंबर करेक्ट होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है बीसीसी का पूर्ण रूप ओके फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्यू आर स्टैंड फार क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है क्यू आर का फुल फॉर्म बताना है तो ए नंबर ऑप्शन है क्वेरी रिलेटेड बी नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन रिस्पॉन्स सी नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन रिस्पॉन्स और डी नंबर ऑप्शन है क्विक रिस्पॉन्स करेक्ट आंसर क्या होगा तो क्यू आर क्या होता है क्यू आर होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है क्विक रिस्पांस कोड होता है और इस क्यू आर कोड निर्माता कंपनी जो थी डेंसो वेब नामक कंपनी ने लॉन्च किया था 1984 में फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर विच व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम कितना होता है तो लिब्रे लिब्रफिस अगर हम बात करें न्यूनतम जूम की तो कितना कर सकते हैं दस परसेंट या फिर बीस तो इसके लिए होता है ट्वेंटी परसेंट बीस परसेंट हम कर सकते हैं अधिकतम जूम बीस न्यूनतम जूम बीस परसेंट तक कर सकते हैं और अधिकतम जूम हम चार सौ परसेंट तक कर सकते हैं फिर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वाट आर द टू वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर लैन लैन के लिए जो कि विस्तृत क्षेत्र में यूज किए जाने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं तो ए नंबर आप सुनें टी सी पी आई पी एंड इथरनेट बी नंबर आपने एस पी आई पी एंड टी सी पी आई पी सी नंबर आप सुनें इथरनेट एंड टोकन रिंग और डी नंबर आपने नन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं तो टू वाइडली प्रोटोकॉल फॉर लैन कौन कौन से होंगे उसमें होंगे आपके इथरनेट एंड टोकन रिंग इथरनेट और टोकन रिंग का आपका लाइन में इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा Ethernet and token ring. फिर उमंग ऐप वर्क उमंग ऐप कितनी भाषाओं में कार्य करता है ए नंबर ऑप्शन ट्वेल्व बी नंबर थर्टीन सी नंबर और डी नंबर तो क्या होगा जो उमंग एप है उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं तेरह भाषाएं कितनी है तेरह भाषाएं होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा थर्टीन लैंग्वेज तेरह भाषाएं होती हैं फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो कि है वेन वाज उमंग लॉन्च उमंग कब लॉन्च किया गया था दो हजार चौदह में दो हजार पंद्रह में दो हजार सोलह में या फिर दो हजार सत्रह में तो उमंग लॉन्च किया गया था सन 2017 में क्वेश्चन नंबर नवंबर 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था और उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस फिर हम बातें क्वेश्चन नंबर थर्टी पर व्हाट इज द एड्रेस वन टू सेवन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जो वन वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो एड्रेस दिया गया ये क्या कहलाता है ए नंबर लूप बैक बी नंबर अपना रिजर्व एड्रेस सी नंबर आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डी नंबर आपने मल्टी टास्क एड्रेस तो एड्रेस क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका लूप बैक एड्रेस क्या कहलाता है लूप बैक एड्रेस कहलाता है जो आपका एक सौ सत्ताईस जीरो 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 है ये एड्रेस आपका लूप बैक कहलाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा लूप बैक ओके तो इस तरह से आज के हमारे थर्टी क्वेश्चन कंप्लीट हुए और नेक्स्ट डे जो है एक और हमने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज जो है कि मैराथन क्लास होने वाला था लेकिन कुछ समय की प्रॉब्लम की वजह से जो है कि आज क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया और क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है ठीक है तो बाकी नेक्स्ट डे आपको मैराथन क्लास में सु... कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट डे मैराथन क्लास उपलब्ध हो जाए और इस तरह से आज के हमारे ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नवराटी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी कोई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी क्लास मिस न हो ओके फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ